ये बात सुन खास सुन लीजिए, ये वीडियो में कोई भी चोरी बोरी या किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैंने डाल दिया, अब इसको घुमाना है आपको क्लॉक वाइज से। देख सकते टेप रिकॉर्डर अपना ऑन हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राहुल खटिक एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर के 40। माइक नहीं लगाया है तो आवाज़ थोड़ी गंदी आ सकती है, तो उसको माइंड मत करना। आज की वीडियो में अपनी कार को बिना चाबी के स्टार्ट करने वाले हैं, और थोड़ी धूप भी आ रही है, और क्या बोलते हैं यार कि अपनी कार का दरवाज़ा कैसे खोलते उस पर, और कार को कैसे स्टार्ट करते उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, पर ये वाली वीडियो थोड़ी डिटेल्स में होने वाली क्योंकि इसमें इमोबिलाइजर भी ऐड करने वाला हूँ। और हाँ, थोड़ी मिथ भी होते कि टेप से अपने कार के ग्लास पर लगा दो टेप और फिर उसको खींचो तो अपना ग्लास नीचे को हो जाता है, ये सच में होता है कि नहीं होता वो भी आज की वीडियो में जान लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बढ़िया ऐसे होने वाली है आज की, और बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कार को स्टार्ट करने के बारे में। और हाँ, मेन चीज़ ये वीडियो में किसी चोरी बोरी के लिए नहीं बन रहा, एक सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं गिर जाते हो, मतलब कि फंस जाते हो, तब कैसे उससे बाहर आ सकते हो, किस तरह से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, दरवाज़ा खोल सकते हो, इवन अपना जो स्टेयरिंग लॉक आता है वो भी कैसे खोल सकते हो, वो भी मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और चलो मिलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बात की तो देख सकते हैं, मैं पहले की से एक मिनट इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, ये कम्प्लीटली लॉक है। मैं की से ट्राई करता हूँ, ये खुल गया, वापस दबाया, ओके जैसे देख लीजिए कम्प्लीटली लॉक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना ग्लास को नीचे लगाने के लिए इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोज़ देखते हैं, इसमें बताया जाता है इस वाली टेप को आड़ी टेढ़ी लगा दीजिए और फिर खींचिए तो जिससे कि अपना एक ग्लास नीचे आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अभी की कार में पावर विंडो आती वो तो बिल्कुल भी नहीं होती, और जो अपनी कार में था ऐसा हैंडल हिलाने वाला वो भी नहीं होता, वो सब कुछ हमने ट्राई करके रख दिया। हाँ, पर कुछ होगा तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है, आपका ग्लू छूट जाएगा और उस पर मिट्टी लगी जाएगी तो ऐसा कुछ दिखेगा आपका शीशा, और वो अच्छे ठीक से साफ भी नहीं होगा। तो ऐसा ट्राई मत करिएगा, एक स्केल लीजिएगा इस तरह का कुछ, देख सकते इसको मैंने थोड़ा मोड़ के रखा है, इसे देख चेक कर लीजिए आप, इतनी थिकनेस और इतनी कुछ लंबाई चाहिए आपको। इसको इधर से डालना है और इधर लॉक के पास ही ठोकना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इसको ठोकता हूँ, ये खुल गया, देख सकते हो, आपको दिखा दूँ एक मिनट, इसको वापस से नीचे करते, कोई कट नहीं लगाया मैंने वीडियो में, ये प्रॉपरली नीचे आ चुका है। इसको बंद किया, अब इधर से ठोकता हूँ वापस से, देखिए ये खुल गया। अब ये कैसे खुलता है वो आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो जैसे कि हम इधर इसको लॉक कर देते वापस से, ओके, अब इधर मैं डालता हूँ एक मिनट, ये देखिए ऊपर आ चुका है, ओके, इसको वापस से नीचे डालते हैं, अब देखना ये वापस से ऊपर आ गया, ओके। तो इसका मैकेनिज्म पर जैसे ही ऊपर से हम कुछ डालते थे ऊपर आ जाता है और अपना डोर इस तरह से अनलॉक हो जाता है, ओके, ये वाला तो हो गया अपना। अब गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा ड्राइवर सीट पर बैठता हूँ और फिर आगे की बात हम करते हैं। तो भाई साहब, ड्राइवर सीट ऊपर आके सबसे पहले क्या करना है, उस वीडियो में मैंने जिसे आपको दिखाया था कि इसके नीचे तीन बोल्ट आते हैं वो आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देने, और ये वाला पैनल अपना रिमूव कर देना है। तो देखो, मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर जिस कार में इमोबिलाइज़र नहीं होगा वही कार स्टार्ट हो पाएगी। अब इमोबिलाइज़र क्या होता है कि इमोबिलाइज़र इंजन सिक्योरिटी का सिस्टम आता है, जिसके जो हमारी की होती है उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो अगर इमोबिलाइज़र से कनेक्ट होता है तो इमोबिलाइज़र अपने इश्यूम को सिग्नल भेजता है कि इस बंदे ने सही चाबी लगाई है, तो अपने फ्यूल और इग्निशन ऑन कर दे। और अगर हम डुप्लीकेट चाबी लगाते हैं तो उसके अंदर वो चिप या सेंसर नहीं होता और उसकी वजह से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। पर इस वाली गाड़ी में इमोबिलाइज़र नहीं है तो ये वाली गाड़ी स्टार्ट हो सकती है कोई भी चाबी से, या मतलब कोई भी चाबी से, मतलब कि मेरा उसकी जैसे सेम टू सेम चाबी बना दो तब भी चालू हो सकती है, और दूसरा कि अपना जो डायरेक्टली चालू करने जैसे कि मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो भी कर सकते हो, लेकिन इमोबिलाइज़र होगा तो वो वाली चीज़ नहीं होगी उस कार में। तो पहले मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट कर दिखा देता हूँ। तो इधर मैंने डाला एक मिनट, वाइपर चल गए, और इसको न्यूट्रन कर देता हूँ, इसको सीधा कर देता हूँ, ओके, अभी आपको सेल्फ लगा कर दिखा देता हूँ पहले गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं।
थोड़ी गंदी पड़ी है, माइंड मत करना, देख सकते हो गाड़ी कम्प्लीटली स्टार्ट है। अब इसको बंद कर देते हैं। तो गाड़ी मैंने बंद कर दी, चाबी को इधर रखा और क्या करता हूँ इसके नीचे दिखवा देता हूँ आपको एक मिनट। तो इधर आ जाइए, तो इधर एक एक स्क्रू आपका इधर होगा, एक स्क्रू आपका इधर होगा और एक इधर को होगा, जिसे कि आपको दिखा दूँ इधर को। तो तीन स्क्रू आते हैं अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे कि हमने ऑल्टो है तो ऑल्टो में अभी तीन आते हैं, तो फटाफट से इसको रिमूव कर देते। रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तीनों स्क्रू रिमूव कर दीजिए, फिर ये वाला पैनल आपका आराम से निकल जाएगा। वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्क्रू निकाल देता हूँ इसके। गाइस जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, मैंने तीनों स्क्रू लूज कर दिए। अब मेरे को क्या करना है, इसको नॉर्मली पकड़ कर खींचना है। तो इधर से पकड़ता हूँ और खींचता हूँ, तो ये पूरा आ चुका है पार्ट अपना, इधर रख देता हूँ। और ऐसे कुछ स्क्रू आते हैं इसमें तीन, जैसे देख लीजिए, अब इसको भी इधर रख देता सेफली। और ये अपना पूरा मैकेनिज्म है इग्निशन वाला, जैसे देख लीजिए चाबी लगती है वो वाला। ओके अब इसके पीछे आ जाइए, तो एक मिनट आपको दिखा दूँ थोड़ा टेढ़ा कर कर। तो ये जो लगा है वो अपना स्टेयरिंग लॉक होने वाला है। ओके जैसे देख लीजिए सब कुछ आप। अब इस साइड आ जाइए आप, तो इसके पीछे सारी वायरें लगी अपनी, जो अपने इंजन को स्टार्ट इग्निशन को स्टार्ट वो सब कुछ करती है। तो ये कुछ वायरें लगी, तो चार पांच वायर है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो स्क्रू है उसको लूज कर देना है। और पहले कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेयरिंग लॉक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं फटाफट से लूज़ कर देता हूँ। और लूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर से एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। अभी तो मैं अकेला शूट कर रहा हूँ इसलिए मुझसे नहीं हो पाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लूज़ कर देता हूँ और फिर आगे दिखाता हूँ। गाइस मैंने इसको निकाल दिया, तो सबसे पहले क्या करता है, इसको निकाल देते। ये इतना छोटा सा स्क्रू आता है अपना, इधर को गिर गया, वो बाद में ले लूँगा मैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब ये पूरा मैकेनिज्म अपना निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो धीरे से खींचना है आपको इसको, और ये पूरा अपना सॉकेट बाहर आ चुका है। जैसे देख लीजिए, जैसे ही हमारे उस साइड चाबी लगती है वैसा ही मैकेनिज्म इसका कुछ होता है। और इसके पीछे आती है एक छोटी सी डंडी, जैसे देख लीजिए चाबी की शेप की कुछ आती है, वो इसके अंदर जा अंदर होती है और वो ही घूमती है और ये ऑन होता है, और इससे हमारा इंजन और सब कुछ ऑन हो जाता है। तो एक बार इधर से आप साइड आपको दिखा दूँ, तो हमने कोई चाबी वाबी कुछ भी नहीं लगाया। ये रहा अपना वो वाला सॉकेट जो हमने निकाल दिया इधर से। एक मिनट आपको इधर से भी दिखाने की कोशिश करो, तो आप देख लीजिए हमने कुछ भी नहीं और किया है, ये सॉकेट अपना निकल चुका है। अब क्या करना है आपको, एक मिनट टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से म्यूजिक प्लेयर ऑन हो जाए तो पता ही चले कि ऑन हुआ है कि नहीं। अब इसके अंदर आपको स्क्रू ड्राइवर डालना है, जैसे कि देख लीजिए मैंने डाल दिया। अब इसको घुमाना है आपको क्लॉकवाइज, देख सकते हो टेप रिकॉर्डर अपना ऑन हो गया। अभी इसको बंद कर देते हैं और दूसरी बार घुमाऊंगा, तो देख सकते हो अपना इग्निशन ऑन हो गया। एक बार मैं फिर से इसे बंद कर देता हूं, एक मिनट आपको लाइव दिखाता हूं। तो देख लीजिए ये बंद, एक मिनट देख सकते हैं स्टार्ट हो गया वापस, ये बंद। इसको बढ़िया तरीके से पकड़ना पड़ेगा पहले तो मेरे को। हाँ अब सही लग रहा है मेरे को। अब देखिएगा आपको मोटर की आवाज़ आ रही होगी शायद। अब मैं इससे सेल्फ लगाता हूँ, तो देखिए एक मिनट। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, अब इस इधर से ही मैं बंद कर देता हूँ। देखिए ये बंद है, देखा आपने, इस तरह से कुछ गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर इमोबिलाइजर नहीं है तभी स्टार्ट होगी, अगर इमोबिलाइजर है इंजन सिक्योरिटी सिस्टम जैसा कुछ बोला जाता है उसे, तो वो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और ये वाला देख लीजिए एक बार और से ट्राई करता हूँ मैं। तो ये अपना इग्निशन ऑन हो चुका है, अब मैं सेल्फ लगाकर दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। देख सकते हो आप, एक मिनट और दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसे बंद करता हूँ, तो ये आराम से हो गया बंद, ये सब कुछ बंद हो गया। एक मिनट आपको म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो जाए। ये देखिए म्यूजिक प्लेयर ऑन, ये ऑफ, ये ऑन,
ये ऑफ। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से अपने बिना चाबी के भी जिस कार में इमोबिलाइजर नहीं है वो भी कार स्टार्ट हो जाती है। अब बात रही स्टेयरिंग लॉक की, तो पहले क्या करते हैं, ये वाला पैनल हमको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको रिमूव कर कर दिखा देता हूँ, एक मिनट। दोनों हाथ से करेंगे आप तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से निकल जाता है, ये वाला पार्ट भी निकल चुका, देख लीजिए पूरा पार्ट, आप पूरा पार्ट अपना रिमूव हो चुका है। अब एक मिनट आपको इधर से कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको इधर से नहीं दिखेगा। इसको हटा देता हूँ और इधर की ओर आपको दो स्क्रू मिलेंगे, स्क्रू तो नहीं बोल सकते, हाँ स्क्रू ही बोल सकते, पर उस पर जो अपने स्टार स्टाइल आती है और जो प्लस वाली स्टाइल आती है, जैसे कि उस पर अपना ये वाला स्क्रू ड्राइवर लगे या फिर दूसरा वाला शेप का स्क्रू ड्राइवर लगे, ऐसा कोई शेप ही ऊपर नहीं आती। ज़्यादातर क्या होता है कि प्लेन ही आते और आते हैं तो कुछ इस तरीके से आते जो कभी खुल ही नहीं सकते किसी भी पानी से। जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इधर आप देख सकते हो, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे दो आते हैं, एक इस साइड भी आता है। तो इस साइड वाला आपको दिखाओ, थोड़ी वायर है, एक मिनट। तो आपको दिख पा रहा होगा तो ये रहा इधर की साइड है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो इधर की साइड आता है एक, इधर की जो मेरी उंगली आप देख पा रहे हो तो अंदर की साइड को है थोड़ी, तो वहाँ वहीं पे एक दूसरा आता है जो एडजेसेंट सेम ही होता है इससे, तो ये वाला आप देख रहे हो उससे सेम ही होता है। अब आपको इसको खोलना, कैसे खोल सकते हो तो देखो मेरी बात सुनो, ये एक मिनट देखो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसे खोलने की ट्राई करोगे तो वापस ये फिट नहीं होगा, और ये खुलेगा तो टूट कर ही खुलेगा, वापस से लगाने की ट्राई मत करना क्योंकि ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसको तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ठोक ठोक कर ही आपको निकालना पड़ेगा तभी ये निकलेगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको उस पर रखना है और ठोकना है और उसी तरह से कुछ ये निकलेगा पूरा अपना मैकेनिज्म, और फिर अपना पूरा चेंज होगा। यानी कि अभी तो मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता प्रैक्टिकल कर कर। यानी भाई आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कुछ लगे तब आप यही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, इससे आपका स्टेयरिंग लॉक भी खुल जाएगा। अगर गाड़ी स्टार्ट कर दी, समझ लीजिए गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर गाड़ी चलेगी थोड़ी, उसका स्टेयरिंग तो लॉक ही रहेगा, तो भाई आपको ये तोड़ना ही पड़ेगा तभी आपकी गाड़ी चलेगी, मतलब कि स्टेयरिंग लॉक नहीं होगा ये निकलेगा तभी, नहीं तो चालू गाड़ी में भी स्टेयरिंग लॉक हो जाएगा। और देख लीजिए इसका पूरा मैकेनिज्म ऐसा कुछ होता है, और दो वोल्ट पर लगता है, जिसे इधर आपको दिख पा रहा हो तो देख लीजिए, इधर चेक कर लीजिए आप, इधर ही पूरा इसकी जो नहीं थी चूड़ी बनी हुई वो पूरी दिख रही है इधर से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लूज है, जिसकी आपको देखिए लॉक हो गया, जैसे आपको दिख पा रहा हो तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही हिल रहा है, क्योंकि 17-16 साल पुरानी कार है तो उसमें ऐसा कुछ रहता ही है, लूज मूज हो ही जाता है समय के साथ साथ। तो आपको ये पूरा निकालना ही पड़ेगा, जिससे एक बार आपको दिखा दूँ तो देख लीजिए, एक इधर से जॉइंट है, ये दिख रहा है आपको, ये दो पार्ट तो वहाँ से जोड़े, तो ऊपर से स्क्रू आया है इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट आपको पूरा खोलना पड़ेगा ठोक ठोक कर, उसको स्क्रू निकलेगा तभी हो पाएगा। और इधर की साइड आ जाइए, इधर की साइड थोड़ा दिखाना तो मुश्किल है पर आपको मैं दिखा ही देता हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट और ध्यान से दिखाता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है वो दो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो वही आपको स्क्रू दूसरा भी मिल जाएगा, वो ठोक ठोक के आपको निकालना है। और हाँ मेरी बात सुन, खास सुन लीजिए, ये वीडियो में कोई भी चोरी बोरी या किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कार कहीं पर फंस गई, चाबी वाबी घूम गई, तब आप कैसे बच सकते हो उसी के बारे में वीडियो है, कि आप अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे स्टीयरिंग लॉक खोल सकते हो, कैसे अपना दरवाज़ा खोल सकते हो, उसी पर है। ओके, दूसरा कुछ चोरी बोरी के लिए नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ अगले नई किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।